आज काफी महीनों में चीन और अमेरिका भारत से आगे है, पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय टैलेंट से ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए, भारत के लोग पढ़ करके अधिकतर अमेरिका या ब्रिटेन में काम करने या जॉब प्राप्त करने जाते हैं। उसी में पहले के लोग 2016-17 में गल्फ कंट्री में जाते थे जो लेबर के रूप में काम करते थे, पर अब इंडिया इतना पढ़ लिख गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में काम करने के लिए जाता है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राप्त होने वाला विदेशों से रिमिटेंस, जो भारतीय लोग अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजते हैं, 100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और अभी तक किसी भी देश को इतना विदेशों से धन नहीं प्राप्त हुआ। सोचिए, भारत का रक्षा बजट जहां 72 बिलियन डॉलर है, वहीं केवल भारतीय लोगों द्वारा विदेशों से भेजा गया धन ही 100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। और वहीं दूसरे नंबर पर मैक्सिको है जो 60 बिलियन डॉलर का है। चीन तीसरे नंबर पर है जो 51 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। वहीं चौथे नंबर पर फिलीपींस है जिसने 38 बिलियन डॉलर को प्राप्त किया है। वहीं पांचवें नंबर पर इजिप्ट जिसने 29 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। छठे नंबर पर पाकिस्तान जिसने 28 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। वहीं सातवें नंबर पर बांग्लादेश है जिसने 21 बिलियन डॉलर को प्राप्त किया है। पूरे विश्व के इतिहास में 100 बिलियन क्रॉस करने वाला भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसके टैलेंट की कदर अब दुनिया को करनी ही पड़ेगी। वैसे आपके अगल बगल कोई ऐसा रहता है जो विदेशों में पढ़ने के लिए या व्यापार करने के लिए गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय।